हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर बात करेंगे निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में। जैसे कि हर वीक के अंदर जो है वो हम बात करते हैं कि उसके सपोर्ट क्या रहेंगे, उसके टारगेट क्या रहेंगे उसके बारे में। तो जैसे कि लास्ट वीक के अंदर हमने बात की थी कि 10,750 जो था वो हमारा इम्पोर्टेंट टारगेट था और 10,900 जो था वो हमारा फाइनल टारगेट था। तो निफ्टी ने दोस्तों लगभग हाई बनाया है 10,850 के आसपास का, मतलब हमारा जो फाइनल टारगेट था उससे थोड़ा सा नीचे 50 पॉइंट नीचे जो है उसने वो हाई लगाया था। तो ओवरऑल ट्रेंड मैंने लास्ट वीक के अंदर भी बताया था दोस्तों कि निफ्टी जो है वो नीचे आने के मूड में बिल्कुल नहीं है, ये जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। अभी भी मैं वही बता रहा हूँ, अगर ये नीचे आएगा तो ओनली हम उसको करेक्शन मानेंगे, उसका जो ट्रेंड है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। ये बात जो है वो जब निफ्टी 8,500 था, 9,000 था, तब से मैं ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। आज मैं ये बात नहीं बता रहा, तब से मैं ये बता रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर जो है वो आप बाय ना करो तो कुछ नहीं, शॉर्ट मत करना। अभी भी वही चीज़ है, अगर नीचे आता है आपको अच्छा लगता है कुछ चीज़ तो आप बाय करो, बाकी शॉर्ट मत करो, क्योंकि अभी उसके ऊपर के जो टारगेट हैं वो अभी पेंडिंग है। हम जो है वो 11,000, 11,200, 11,400 देख सकते हैं। अब वो ये देखना है कि कब होता है, ये महीने में, अगले महीने में, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सपोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं निफ्टी के पहले सपोर्ट के बारे में, तो निफ्टी का जो नंबर वन सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट वीक के अंदर वो रहेगा 10,725 का लेवल, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द निफ्टी फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक होता है निफ्टी के अंदर तो हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ, करेक्शन कोई डाउन ट्रेंड जो है ये स्टार्ट नहीं होने वाला, ये आप मान के चलो, ठीक है। अगर यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से अगर हम 400 पॉइंट भी नीचे आ जाते हैं तो भी हम जो है वो एक करेक्शन ही कहेंगे, वहाँ तक हम जा सकते हैं 10,400, 10,350 के आसपास, ठीक है। वहाँ तक भी ये जो है वो हमें करेक्शन मानेंगे, लेकिन जब अगर ये 10,300 का लेवल जो है वो ब्रेक करने का ट्राई करें तब हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो है वो थोड़ा सा नीचे और जा सकता है, उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन 10,300 के ऊपर जब तक निफ्टी खड़ा है तब तक हम जो है वो पॉजिटिव ही हैं निफ्टी के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 10,650 का लेवल जो है वो हमारा फाइनल सपोर्ट रहेगा। अगर फाइनल सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है तो 10,550, ठीक है, 10,550 से लेके 10,400 के जो लेवल है वो हम निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली निफ्टी के सपोर्ट के बारे में, और मैंने अपना पर्सनल जो व्यू था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। तो आप जो है वो गलती से इसमें शॉर्ट के ऊपर मत जाना, हमारा जो ये निफ्टी है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उसके टारगेट के बारे में। तो नंबर वन जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक के अंदर वो रहेगा 10,825 का लेवल, ठीक है। ये जो टारगेट है वो निफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी जो है वो ये टारगेट को सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है ऊपर की तरफ और वहाँ पे रुक जाता है तो हम जो है वो एक बार 10,940 के आसपास जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, 10,940 जो है वो बहुत बढ़िया उसका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी। अगर ये टारगेट जो है वो सस्टेन हो जाता है हमारा तो हम उसके ऊपर रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, तो बहुत बढ़िया रैली देख सकते हैं दोस्तों। फिर तो मान लो कि हम जो है वो एक बार 11,000 के दर्शन कर सकते हैं, उसके भी ऊपर अगर हम जाने का ट्राई करते हैं तो 11,050, 11,070 के आसपास जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मैंने बताया पॉजिटिव ही है, गलती से इसके अंदर शॉर्ट मत करना वरना ये आपको लटका देगा कहीं पे बीच में। तो हमें लटकना नहीं है, शांति से अगर अगर आपको लगता हो कि नीचे आएगा तो ठीक है, शॉर्ट मत करो, उसको वेट करो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, फिर डिसीजन आपका है दोस्तों। ये मैंने आपको अपनी राय क्या है वो मैंने बता दी निफ्टी के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले महीने में शायद हम 11,000
11,200 के आसपास जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है नेक्स्ट मंथ के अंदर, ठीक है, या ये महीने के एंडिंग में भी हम वहाँ पर उसके आसपास जा सकते हैं, ठीक है। अगर करेक्शन होता है तो भी हम देखेंगे, ठीक है। 10,300 के नीचे जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी 10,300 के ऊपर नो प्रॉब्लम, वहाँ पर हम बिंदास रुक सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली निफ्टी के सपोर्ट और उसके टारगेट के बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों, तो हम जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर हमारी डिफरेंट करेंसी और कमोडिटी गोल्ड सिल्वर बाकी के सारे में भी बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसके अंदर जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर आपको सारे सपोर्ट और टारगेट जो है वो हम डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।